आज मैं आपके साथ एक अपनी लेटेस्ट सक्सेस स्टोरीज में से एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगी, और इसी सक्सेस स्टोरी में एक में ही दो सक्सेस स्टोरीज हैं। जब आगे आप सुनेंगे आपको पता चलेगा। मई 2022 की बात है। मुझे इमरजेंसी बेसिस पर इंडिया जाना पड़ा। मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ, और जब मैं इंडिया गई तो मैं अपना मिनिमम लगेज लेके गई थी, और कोई भी गोल्ड आइटम, नॉट इवन इयररिंग्स, नॉट इवन गोल्ड चेन, कुछ भी मेरे पहना हुआ नहीं था, क्योंकि मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना था और मुझे हो सकता है हॉस्पिटल में माँ के साथ रहना हो। इसी वजह से मैं सेफ्टी पर्पसेस से कुछ भी सामान ऐसा नहीं लेकर गई। अचानक से वहाँ मेरे भाई की शादी की बातें चलने लगी। एटलीस्ट इंगेजमेंट, उन्होंने बोला कि इंगेजमेंट तो कर ही देते हैं, क्योंकि मदर की हालत इस तरह से हो गई थी। तो अचानक से प्रोग्राम बना जो पहले से प्लान नहीं था। तो मेरी मदर को लगा कि अभी कल फंक्शन, लाइक घर में शगुन लेके वो आएंगे, और एटलीस्ट मेरे गोल्ड चेन तो पहनी हो, इयररिंग्स तो हों, कुछ और नहीं तो। तो मदर ने बोला कि आप ऐसा करना, कल आप जो उनका गोल्ड है उनमें से कुछ पहन लेना, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो अभी मेरे मन में क्या था, मुझे कभी भी किसी, मेरे पास कम हो तो मैं कम में खुश हूँ, मेरे पास ज़्यादा हो तो मैं ज़्यादा में खुश हूँ, लेकिन मुझे दूसरे की चीज़, वो चाहे मेरे पेरेंट्स की ही हो, जो किसी की अदर की ओनरशिप है, उसको अपना कहना या अपना कहकर रिप्रेजेंट करना मुझे अंदर अच्छा नहीं लगता। तो मैंने मदर को बोला कि चलो ठीक है, देखते हैं। अब इसी बीच एक और चीज़ हुई कि हमारे घर में एक और फंक्शन था, जिसके लिए मेरी मदर ने ऑलरेडी कुछ गोल्ड बुक किया हुआ था, बनना दिया हुआ था, और उसको लेके आना था। अब क्योंकि मेरी मदर की हालत ऐसी थी, तो मेरी मदर ने मुझे और मेरे भाई को भेजा, और वो दूसरे सिटी में हमें जाना था। तो हम जब वहाँ पे शॉप पे थे, तो मेरे हस्बैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया में थे, उनका मुझे फ़ोन आया अचानक, वैसे ही नॉर्मल जैसे एवरीडे फ़ोन आता था। तो वो पूछने लगे कि आप कहाँ पे हो। तो मैंने, वीडियो कॉल पे थे, तो मैंने उन्हें दिखाया कि मैं यहाँ पे हूँ। तो ये जो हमारा ज्वेलर है, वो हमारा फैमिली ज्वेलर्स हैं, वो शुरू से हम उनसे लेते हैं। तो उन्होंने पहचान लिया कि अच्छा उस शॉप पे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप अब आए ही हो तो अपने लिए भी कुछ ले लो। तो मैंने उन्हें बोला कि नहीं, एक तो आप साथ में नहीं हो, और दूसरा भी ऐसा मन भी नहीं है, क्योंकि मदर के लिए इस तरह से सिचुएशन में आए हैं, तो कोई बात नहीं, जब हम आएंगे इकट्ठे तो हम लेंगे। लेकिन अंदर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा था, मेरा मन था कुछ लेने का, और दूसरा मेरे भाई का शगुन भी था। तो फिर मुझे ऐसा भी लगा कि अभी मैं यहाँ जूलर की शॉप पे बैठकर, फैमिली में इमरजेंसी ऑलरेडी है, मुझे मनी इसमें इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, जो मैंने अपना फाइनेंस जो है प्लान करके आई हूँ। अब ये हुई दो बातें, और तीसरी बात ये, काफ़ी साल पहले, कम से कम 6-7 साल पहले, हमने किसी को फाइनेंशियल हेल्प किया था इंडिया में ही, और वो कोई ऐसा था जिससे हमने ना तो वो पैसे दोबारा वापस मांगे थे। जब बात हुई थी पैसे देने की, तो रिटर्न, लाइक उनको पता था कि उनको रिटर्न करने हैं, लेकिन वो कुछ इस तरह के रिलेशन में थे कि हमने कभी भी ठीक नहीं समझा उनसे पैसे मांगना। तो हमने एक तरह से अपने माइंड में से वो चीज़ निकाल ही दी थी कि कभी वो पैसे हमारे पास वापस भी आएंगे। लेकिन मैंने कभी इसका गिला नहीं किया था कि हमारे पैसे किसी के पास दब गए या कभी नहीं आएंगे, लेकिन हमेशा उस बंदे को वाइब्रेशंस हमेशा भेजी थी। वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से हम, जब हमारे पैसे किसी के पास फंसे हुए होते हैं, कोई रिटर्न नहीं कर रहा, तो किस तरह से हम उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं, वो कभी किसी और वीडियो में बताऊंगी। तो जैसे ही हम ज्वेलर की शॉप पे थे, उस उनका फोन आया जिनके पास हमारे पैसे थे। उन्होंने बोला कि अच्छा आप वहाँ आए हो, तो आप होते हुए जाना, हमें भी मिलते हुए जाना। तो फिर मैंने अपने भाई को बोला कि चलो ठीक है, हम क्विकली 5 मिनट बस चाय के लिए रुकेंगे वहाँ पे, तो होके चलेंगे। तो जब हम उन्हें मिले, तो आप बिलीव नहीं करोगे, वहाँ पे मेरी इच्छा हुई, पहले घर में गोल्ड पहनने की नीड हुई, वो बात हुई, मेरे मन में इच्छा जागृत हुई गोल्ड लेने की। मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि जब कोई आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो फैमिली में डिस्कस करके ही करते हो, ऑब्वियसली हस्बैंड के साथ तो चाहे एक रिंग भी लेनी हो तो करके ही करूंगी, तो उनका अपने आप से उन्होंने बोला, सेकेंड सीक्वेंस ऑफ इवेंट बना। और थर्ड, फिर मेरे मन में जब क्वेश्चन, जैसे जैसे मेरे मन में क्वेश्चन आते गए, थर्ड मेरे मन में क्वेश्चन आया कि पैसा, तो पैसा उन्होंने मेरे हाथ में वो सारे पैसे रख दिए जो हमने उनसे एक्सपेक्ट, लाइक उनसे लेने थे वापस। तो पैसों का भी अरेंजमेंट हो गया। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि इन पैसों को मैं अपने अकाउंट में जमा कर दूं या किस तरह से करना है, ऐसे ऐसे करके पैसे वापस आ गए। तो उन्होंने बोला कि आप जाओ वापस शॉप पे, और जो आपको गोल्ड चाहिए था वो आप ले लो, क्योंकि गोल्ड की बात पहले हुआ करती थी, इंडिया जाने से पहले, ये सब सिचुएशन होने से पहले।
तो मैंने उसी टाइम विद इन 1 आवर अपना जो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट था वो कर लिया, और जो नेक्स्ट डे फंक्शन था घर में उसमें वो मैंने गोल्ड पहन भी लिया, तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। तो इस कहानी में हमने क्या क्या देखा? पहला, फंसे हुए पेप से वापस आ गए। दूसरा, जैसे जैसे मन में किसी बात की उत्पत्ति हुई तो उसी के साथ साथ उसका आंसर मिलता गया। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, मेरे हस्बैंड का उसी समय पे फोन आना और उनका मेरे फेस को देखकर पहचानना कि व्हाट आई वांट, इवन मैंने नहीं बोला था, और खुद ही खुद बोलना कि आप ले लो, और फिर वो वाला इवेंट होना कि घर पर बुलाकर उन्होंने बिना किसी बात के, लाइक उन्होंने कुछ डिस्कस भी नहीं किया कि ऐसे करके ये करने का हमारा प्लान है, और उन्होंने पैसे हाथ में थमा दिए, और ये सारी चीज़ें होना, तो ये मिरेकल नहीं है तो और क्या है? इससे पहले मैंने कभी यूनिवर्स को इच्छा ही जाहिर नहीं की थी कि हाँ ऐसा मुझे चाहिए, तो जैसे ही वो सबकॉन्शियसली इच्छा जाहिर हुई तो उसके रिजल्ट्स भी आ गए। तो इसी तरह से मैजिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि मैं बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में, मैं बिल्कुल ऐसे स्ट्रेस होए मैं कल क्या पहनूंगी, मैंने सोचा इट्स ओके, मेरे पास आर्टिफिशियल तो मेरे पास ये झुमकी थी, तो मैंने सोचा कि इट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे भाई को कोई, अगर मेरे भाई का शगुन लेके आ रहे हैं तो मेरे आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी है या मेरे किस तरह से पहनी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई वॉज इन सच अ कूल एंड पावरफुल मेंटल स्पेस, बट देन इट वॉज नाइस टू हैव, लाइक दिस इज द फीलिंग आई हैड, राइट? तो मैंने कोई प्रोसेस नहीं की है, मैंने कोई बैठ के स्क्रिप्टिंग नहीं की उस चीज़ के लिए, तो इस तरह से ये मेरे पैसे भी वापस आ गए और मेरा अच्छा इन्वेस्टमेंट भी हो गया। तो दिस वॉज द वेरी लेटेस्ट एंड बिगेस्ट स्टोरी। आई होप कि इसमें से आपको कुछ मिलेगा जानने के लिए, सीखने के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए नमस्ते।